नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। तीर्थ बटेश्वर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के करोड़ों की सौगात दी है। सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम योगी ने 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का मंच से बटन दबाकर वर्चुअल उद्घाटन किया। आपको बता दें कि तीर्थ धाम बटेश्वर का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के साथ मंदिर और यमुना के घाट सहित क्षेत्रों का कायाकल्प होगा। सीएम योगी ने सभा स्थलों पर मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह, राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित कई नेता मौजूद रहे। हरिद्वार पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भेल हेलीपैड से गुरुकुल विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देव संस्कृति महाकुंभ में प्रतिभाग किया। गुरुकुल विश्वविद्यालय के बाद कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। वहीं रक्षा मंत्री के आगमन पर सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित अन्य साधु संतों का आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज ने फुल माला पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस दौरान मंच पर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित कई साधु संत और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। ऋषिकेश के मायाकुंड में एक संपत्ति पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस की तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में पीड़ित ने एक महिला पर हमलावरों को भेजने और साजिश के तहत उसकी हत्या करवाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और आदर्श नगर स्थित शिशु विद्या मंदिर के सैकड़ों छात्र सनातन संस्कृति और धार्मिक यात्रा का महत्व जानेंगे। इसके लिए छात्रों को स्कूल की ओर से देव दर्शन कार्यक्रम के तहत सुरकंडा देवी माता के मंदिर ले जाया गया। आपको बता दें कि स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और मुख्य अतिथि अभिभावक समिति के मीडिया प्रभारी दीपक नारंग ने हरी झंडी दिखाकर बसों को सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रवाना किया। शिशु विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य गुरु प्रसाद उनियाल ने बताया कि विद्या भारती का प्रयास रहता है कि छात्रों के मानसिक विकास के लिए उनको किताबी ज्ञान से बाहर की दुनिया भी दिखाई जाए। श्रावस्ती जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम कृतिका शर्मा ने आमजनों की सुविधा को लेकर जिले के 3 तहसील और नगर पालिका नगर पंचायत अधिकारियों को चाक चौराहे तथा विभिन्न आबादी वाले सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान गिर रहा है, जिसके चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते डीएम कृतिका शर्मा ने नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, बड़े कस्बे और आबादी वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था तत्काल करने को कहा है। डीएम के सख्त निर्देश पर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों की सुविधाओं को देखते हुए अलाव की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके और लोग ठंड से बचने को लेकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे यहाँ तीनों तहसीलों में जितने प्रमुख बाजार हैं और जहाँ लोगों की भीड़ होती है, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके और अलाव जलाए जा रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग तहसील स्तर से सीधे तहसीलदार कर रहे हैं और इसकी रिपोर्टिंग जिला स्तर से एडीएमएफआर साहब भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्राचीन खजाने की तलाश में दफीनाबाजों ने जंगल में बने हनुमान मंदिर में खुदाई कर प्राचीन खजाने को चुरा कर ले जाने का मामला भी सामने आया है। ये नहीं, चोरों ने हनुमान जी के चांदी के दोनों नेत्र और उनके सोने का तिलक भी चुरा कर
मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर डाला। चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग रहे चोरों से वनकर्मी भिड़ गया और उनसे दो प्राचीन मुद्राएं छीन ली। दफीनाबाजों से मिली मुद्राएं 15 शताब्दी की बताई जा रही हैं। वनकर्मी ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देकर जांच के लिए एक मुद्रा भी सौंप दी है। मैं ड्यूटी सुबह में आया घूमने के लिए जंगल, तो वहाँ मिले करण राजपूत, उसने गिल्टियाँ लिए थे, मैंने उसको छुड़ाए दो, वे बोले भी ले थे 12 गिल्टियाँ, इसी गजाशाही जुन तुमने दिखाई हमने, तो मैं छुड़ाया, बोलो चाहिए यार तुमने छुड़ा मुझे और चेक करवा दो जी, मैंने ठीक है। और इसके पहले मुझे इस महाराज पूरे जो यहाँ पूजा करते उन्हें बताया चोरी हो गई, तब मैंने समझ नहीं कि चोरी की है, मंदिर के 100 मीटर दूर छुड़ाया मैं इससे गिल्टे जी, फिर वो दो गुड़ा के आदमी ने वहाँ छेंका है वो गिल्टियाँ दो, तब मैं उससे मैंने गिन देता हूँ, सो भाग गए सारे, दो बेहत और दो बेहते। पीलीभीत में बंडा थाना क्षेत्र के गांव नवदिया बंग की गहुलेया निवासी जितेंद्र सिंह अपनी मां बलविंदर कौर और पत्नी संदीप कौर और साथ ही दो बच्चे अशनूर और असलीन के साथ लखीमपुर से अमृतसर जा रहे थे। जैसे ही जितेंद्र सिंह अपनी कार से पूरनपुर किसान सहकारी चीनी मिल के पास पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सक ने बलविंदर कौर को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक महिला के पुत्र जितेंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं जितेंद्र की पत्नी और दोनों बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। वृंदावन में बांके बिहार मंदिर में दो महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों महिलाएं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आई थी। मृतक महिलाएं जबलपुर की रहने वाली थी, जिनकी उम्र करीब 60 साल की बताई जा रही है। बांके बिहारी मंदिर में रविवार को देर रात करीब 7 लाख श्रद्धालु आए थे, जिनमें से मथुरा प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल हो गई। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बांके बिहारी मंदिर में पूर्व में भी कई घटनाएँ ऐसी घट चुकी हैं। सोशल मीडिया तथा अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक खबर आ रही है कि वृंदावन में दो महिलाओं की भीड़ के दबाव के कारण मृत्यु हुई है। इस बात का खंडन किया जाता है, दोनों महिलाओं की अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पर और भीड़ से अलग बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। दोनों की उम्र लगभग 60 साल से ऊपर की थी। एक महिला सीतापुर की रहने वाली थी, जो विद्यापीठ चौराहा जो मंदिर से काफ़ी दूर है वहाँ पे चलते चलते अचानक से गिर गई। वहाँ पे तत्काल पुलिस टीम ने उनको देखा और इलाज हेतु तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। सितारगंज भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और भाजपा पदाधिकारी ने मीना बाजार में सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण, नाले निर्माण और पोल शिफ्टिंग के काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि कैबिनेट मंत्री ने 15 करोड़ की लागत से मीना बाजार से लेकर कश्मीरी फॉर्म तक सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य शुरू कराकर आमजनों को सुलभ यातायात उपलब्ध कराया है, जिसके प्रथम चरण में 6 करोड़ की लागत से मीना बाजार से काम शुरू कर दिया गया है। पीलीभीत में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था और सभासदों ने बाजार घूमकर पॉलीथीन एकत्रित की। दरअसल 3 दिवसीय पॉलीथीन उन्मूलन अभियान का आज समापन किया गया। अभियान के तहत स्टेशन रोड से लाल रोड तक यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से दुकानदारों से डस्टबिन रखने का भी आग्रह किया गया। योगी सरकार की पुलिस अब लोगों को सुरक्षा के साथ साथ आम जनमानस की शिक्षा की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने का काम कर रही है। साक्षरता मिशन में अब यूपी पुलिस का भी अहम योगदान सामने आया है। बानगी झांसी के जिले में
एक मामला सामने आया है जहां झांसी पुलिस ने मजदूर परिवार के उन 5 बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया है जिनकी पढ़ाई आर्थिक तंगी के चलते स्कूल में ना होकर सिर्फ घर पे ही हो रही थी। जिस थाने में इन बच्चों के माता पिता मजदूरी कर रहे थे उसी थाने के थानेदार ने उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। मामला पूंछ थाने का है। पूंछ थाना परिसर में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक का निर्माण हो रहा है। बैरक का निर्माण के लिए कई मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों के 5 बच्चे अक्सर थाना परिसर में ही पुलिस को पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्कूल न जाकर बच्चे थाना परिसर के अंदर ही कई घंटे तक पढ़ाई करते थे। इस बात को थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने बारीकी से देखा। इसके बाद माता पिता की आर्थिक हालत खराब होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद खुद थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने 5 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाई। फतेहपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा आयोजित वैश्य मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण समारोह में 385 बच्चों को शील्ड मेडल और प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता, पूर्व न्याय मंत्री राधेश्याम गुप्ता शाह द्वारा दीप प्रज्वलन करके तथा रामा देवी अग्रहर बालिका इंटर कॉलेज की बच्चियों द्वारा ईश वंदना तथा सरस्वती वंदना तक फूलों की होली के साथ हुआ। भारतीय वैश्विकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में जहां मेधा का सम्मान हो रहा है वहीं राजनीतिक प्रस्ताव भी आज हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है, 2 वर्तमान में मात्र 2 सांसद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 20% की आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। 12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य भावन है, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग मांग करने वाले हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में वैश्य समाज को भी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। बहराइच में बड़ा हादसा हो गया, जहाँ कोतवाली देहात अंतर्गत बहराइच श्रावस्ती मार्ग पर बस और ट्रक के बीच दुर्घटना हो गई। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, साथ ही स्थानीय पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महुआ में बढ़ती ठंड के साथ चोरी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। सब्जी मंडी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान का शटर तोड़कर रखे 60,000 कीमत का लहसुन चुरा कर चोर फरार हो गए हैं। दुकानदार ने जब माल का मिलान किया तो लहसुन की 8 बोरियां गायब मिली। पीड़ित दुकान ने लिखित तहरीर देकर शहर कोतवाली पुलिस को दुकान में हुए चोरी की वारदात की जानकारी दी, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। चोरी की यह वारदात शहर के कीरत सागर इलाके में संचालित थोक सब्जी मंडी में हुई, जहाँ बढ़ती ठंड के बीच अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौसम के बदलते ही मौसमी चोर सक्रिय हो गए हैं, जो ठंड का फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस से बेखौफ चोर लहसुन चुरा कर फरार हो गए। बताया जाता है कि सब्जी मंडी में आलू प्याज लहसुन के थोक विक्रेता मोहम्मद इमरान ने जब आज अपनी दुकान खोली तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला, जिस पर दुकान में रखे माल का मिलान किया गया तो पाया गया कि लहसुन की 8 बोरियां लापता हैं, जिसकी बाजारी कीमत 60,000 रुपये है। ये देख दुकानदार के होश उड़ गए। सब्जी मंडी में हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पीड़ित दुकानदार बताता है कि सब्जी मंडी में शराबी और अराजकता घूमते रहते हैं, जिसके चलते ये चोरी की वारदात हुई। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सब्जी विक्रेता चिंतित हैं। दुकानदार ने पुलिस को सूचना देकर तहरीर भी दी है। सब्जी व्यापारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आलू प्याज लहसुन भी थोक विक्रेता हूँ मैं, वहाँ लहसुन रखा रहता है, उससे 8 बोरी लहसुन रात को चुर गया। मैं जब सवेरे आया मैंने दुकान खोली, उसमें 8 बोरी लहसुन कम था मेरा। कितने का लहसुन? लहसुन लगभग 60,000 रुपए। महुआ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस पर आज बुंदेली समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 35वीं बार खत लिखा और पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग दोहराई है। साथ ही बुंदेलियों ने क्षेत्र के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। आयोजित कार्यक्रम में एक दर्जन लोगों ने
अपने खून से खत लेकर पीएम मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री की तरह अलग बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की भी मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनकर विक्रांत कुमार ने सहारनपुर समेत अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक बनने पर विक्रांत कुमार का खेल प्रेमियों समेत गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। फतेहपुर जिले भर में कोटद्वारों ने अपना कमीशन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए आदर्श कोटेदार संघ और वेलफेयर कोटेदार संघ के संयुक्त नेतृत्व में महासम्मेलन कर अपनी एक सूत्रीय मांगों के लिए आवाज बुलंद की और मांग न माने पर राशन वितरण न करने का ऐलान किया है। कोटेदार का कहना है कि हम सब कोटेदारों पर तो हर तरह से नकेल कसने का काम किया जा रहा है। हमारे तराजू को ऑनलाइन किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन कोटेद्वारों का जो राशन बांटने के लिए मिलता है उसे सही तौल कराने की बात कोई नहीं सुनता, जबकि कोटेद्वारों को हमेशा कम राशन दिया जाता है। कोटेदारों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। सहारनपुर में क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रार्थना सभाओं में देश की सुख समृद्धि की कामना के साथ सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी दी गई। बाद में सभी ने एक दूसरे को गले लगकर खुशियां बांटी और केक खिलाया। सभी चर्च के आसपास मेले का माहौल था। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को उपहार भी बांटे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।